अरे गाइस यार, सुबह सुबह फ्रैंकलिन भैया कहाँ चले गए? आज उन्होंने मुझे कॉम्प्लेन वाला दूध भी नहीं दिया। अब मेरी हाइट कैसे बढ़ेगी? अरे ये यहाँ पे क्यों सोए हुए हैं? अरे फ्रैंकलिन भैया उठो ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो यार? अबे सिंचन यार, देख हम लोगों के पास कितना पैसा आ गया और कितना सारा गोल्ड आ गया। अब मैंने तेरे लिए बहुत सारी रिमोट कंट्रोल कार्स भी खरीद दी और मेरे लिए लैम्बोर्गिनी भी। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप ये क्या बड़बड़ा रहे हो? गाइस लगता है ये नींद में है यार। अरे अब तो मैं राजा बन गया हूँ सिंचन, अब मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, मैं दुनिया में सबसे अमीर हूँ। अबे भाई साहब सिंचन, क्या हो गया यार? अरे चुप, देखना यार, ये फ्रैंकलिन भैया नींद में कुछ भी बड़े बड़े आ रहे हैं यार। अबे लगता है भाई साहब ये सोया हुआ है यार। अरे हाँ तूने सही कहा, लेकिन इन्हें कैसे उठाए हम लोग यार? अबे भाई साहब सिंचन, तू एक काम कर, एक मग्गा पानी भर के ला और इसके ऊपर डाल दे, अभी हाल उठ जाएगा ये। अरे चुप, तू ला यार, मैं नहीं लाऊंगा ही। अबे भाई साहब मैं कैसे लाऊंगा, मेरा हाथ थोड़ी ना है। अरे चल मैं एक काम करता हूँ, मुझे वैसे भी बहुत तेज सूसू आ रही है यार, मैं इनके ऊपर सूसू कर देता हूँ। अबे भाई साहब पागल हो गया क्या, सूसू करेगा उसके ऊपर तू? अरे कोई बात नहीं, कर देता हूँ, मुझे बहुत तेज सूसू आ रही है, फिर तो ये पक्का उठेंगे। ये ले मैंने कर दी, तुर तुर तुर। अरे सिंचन और चुप, भागो भागो, लगता है बारिश आ गई। अरे भाई साहब बारिश नहीं आई है, इस सिंचन के बच्चे ने तेरे ऊपर सूसू कर दी है। अबे सिंचन तू पागल है क्या? तूने यार मेरे ऊपर सूसू कर दी, क्या समझता है तू अपने आप को? अरे फ्रैंकलिन भैया, आप सपने में थे यार, उठ ही नहीं रहे थे और पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने आपके ऊपर सूसू कर दी यार। अबे यार तूने मुझे पूरा गंदा कर दिया, अब मुझे नहाना होगा। ये ले पानी में गया मैं, अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। गाइस यार ये सच में पूरा का पूरा पागल है, इसने मुझे पूरा गंदा कर दिया था। अबे सिंचन के बच्चे, कितना अच्छा सपना आ रहा था मुझे यार, पूरा का पूरा सपना तूने बर्बाद कर दिया। अरे हमें भी बताया ना, कौन सा सपना आ रहा था यार? अबे सिंचन ऐसा सपना आ रहा था मुझे कि अपन बहुत ज्यादा अमीर हो गए। अबे ये किस चीज की आवाज आ रही है? लगता है ये बंदर की आवाज है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, कहाँ से आ रही है ये आवाज? अबे सिंचन और चोप, जल्दी से तुम लोग बाहर आओ यार, ये क्या चीज है? यहाँ पे देखो कितने सारे मंकी है। अरे हाँ, ये इतने सारे मंकी कहाँ से आ गए हम लोगों के घर के बाहर यार? अबे यार सिंचन, मुझे तो लगता है ये सभी के सभी जू से भाग के आए होंगे यहाँ पे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, आप सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मंकी मरे हुए हैं, आखिर ये मर कैसे गए यार? हाँ सिंचन यार, इतने अच्छे मंकी मर कैसे गए? लेकिन यार ये हमारे घर के बाहर रहे ना, तो हमारा पूरा घर गंदा कर देंगे और हम लोग यार काम कैसे करेंगे, क्योंकि पूरे घर के सामने तो इन्होंने डेरा जमा रखा है। अबे भाई साहब कल वे तू बोले तो मैं इन लोगों को काट के भगा देता हूँ। अबे चोप, तू इनको काटेगा ना तो ये हम पे हमला कर देंगे भाई, बहुत ही तेज होते हैं मंकी। अबे इसको देख, ये कितना खतरनाक लग रहा है। अबे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे फ्रैंकलिन भैया भागो भागो, वो आपके पीछे पड़ गया यार। हाँ मुझे भी दिख रहा है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया? अबे यार पीछा छोड़ दे मेरा। अबे भाई साहब मैं मदद करूँ तेरी? अबे चुप, तू क्या मेरी मदद करेगा भाई, वो खुद ही यहाँ पे गिर गया, आखिर उसे क्या हुआ यार? अबे कलवा मुझे तो लगता है ये टपक गया। अबे लेकिन मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, आखिर ये मर कैसे गया? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये कैसे मर गया यार। हाँ सिंचन यार, एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस को बुला लेते हैं। अरे नहीं नहीं, पहले मैं लिटिल सिंगम को बुलाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ उसको भी ये सब देखना चाहिए, मैं उसे कॉल करता हूँ यार। अले भाई सिंचन, तूने तुबा तुबा क्यों कॉल कर दिया मुझे? अरे लिटिल सिंगम जल्दी से मेरे घर आ, मैं तुझे एक चीज दिखाऊंगा यार। अले सिंचन, तूने कोई नई रिमोट कंट्रोल कार तो नहीं खरीदी है? वो तुम दिखाने के लिए बुला रहा हूँ। अरे नहीं यार, जल्दी से आया, एक अलग ही खास चीज है। अले तल तल जल्दी चल यार डोरेमोन, ऐसा क्या दिखा रहा है हमें यार सिंचन? अरे ये क्या चीज है यहाँ पे? अरे हाँ लिटिल सिंगम, यही तो खास चीज है, देख यहाँ पे कितने सारे मंकी है हमारे घर के बाहर यार, ही ही। अरे हाँ लेकिन इतने ताले मंती कहाँ से आ गए तुम्हारे घर के बाहर? अब तुम लोग क्या करोगे इनको भगाने के लिए यहाँ से? अरे हाँ हम वही सोच रहे हैं यार, कोई आइडिया बताना। अरे तुम लोग एक काम करो, तुम पुलिस तो बुला लो, वो यहाँ पे आएगी और इनको जू में डाल देगी। अरे नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे सिंचन और लिटिल सिंगम, मेरे पास एक आइडिया है, बस मुझे एक गाड़ी चाहिए। अले मेरे पास है ना मेरे पापा की गाड़ी, वो ले लो तुम लोग। अरे हाँ सिंचन ये सही रहेगा, हम लोग लिटिल सिंगम के पापा की गाड़ी ले लेते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन क्या आइडिया है ये तो बताओ यार। हाँ सिंचन तू मेरे साथ चल, मैं तुझे रास्ते में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन लिटिल सिंगम और चॉप तुम लोग यही रहना। हाँ भाई साहब मैं इन सबका ध्यान रखूंगा, उधर से बर्गर ले आना। अरे हाँ ले आएंगे, गाय से कितना ज्यादा भुक्कड़ है यार। वैसे गाय, आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो यार लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे फ्रैंकलिन भैया बताओ ना, आखिर आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो यार? अबे सिंचन तुझे याद होगा ना मेरा दोस्त लेस्टर? अरे हाँ मुझे पता है लेस्टर भैया, लेकिन हम लोग उनके पास क्यों जा रहे हैं? अरे सिंचन मुझे उससे पैसे लेना है और बहुत दिन हो गए वो मेरे पैसे नहीं दे रहा है। मैं सोच रहा हूँ हम लोग उसकी दुकान पे चलेंगे और उसकी दुकान से बहुत सारे केले और फ्रूट्स लेके आ जाएंगे और उन सारे मंकीज को लालच दे करके अपने घर से यहाँ पर ले आएंगे।
अरे हाँ ये तो बेस्ट आइडिया है। हाँ सिंचन ले हम लोग पहुँच भी गए लेकिन मुझे लेस्टर दिखाई नहीं दे रहा गाइस कहीं भी। अरे फ्रैंकलिन तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे लेस्टर यार कितने दिन हो गए भाई, पूरा एक साल होने वाला है, तूने अभी तक मेरे उधार लिए हुए पैसे वापस नहीं करे। अरे यार फ्रैंकलिन कर दूंगा यार, अभी धंधा मंदा चल रहा है। अबे तेरा धंधा मंदा चल रहा है लेकिन यार हम लोगों को पैसे की तो जरूरत है ना। अरे यार कर दूंगा जैसे आएगा। चल ये सब ठीक है, हम लोग आज तेरे पास इतने दिन बाद आए हैं, कम से कम चाय नाश्ता तो करवा दे यार। अच्छा ठीक है भाई यार लेके आता हूँ, तुम लोग यहीं पे वेट करो और ध्यान रखना मेरी दुकान का। अरे हाँ हम लोग ध्यान रखेंगे, आप चाय नाश्ता लेके आओ यार। हाँ हाँ मैं जाता हूँ और चाय नाश्ता लेके आता हूँ तुम लोगों के लिए। चलो जल्दी जल्दी जाता हूँ, चाय नाश्ता खिला करके इनको पैसे बुलवा दूंगा मेरे। अरे फिंगिन भी लेस्टर भी है तो गए यार। हाँ सिंचन यही तो मेरा प्लान है, अब हम लोग जल्दी से यहाँ से कुछ फ्रूट्स चुरा लेते हैं और अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। अरे हाँ जल्दी जल्दी रखो यार। तो गाइस मैंने फाइनली सारे फ्रूट्स रख लिए, अब सिंचन हम लोग इन्हें लेके चलते हैं अपने घर पे और उन सारे मंकीज को लालच दे करके यहीं पे लाके छोड़ देंगे। अरे लेकिन इससे तो वो पूरे लेस्टर भैया के फ्रूट्स खा जाएंगे यार। हाँ सिंचन खा लेने दे, वैसे भी यार बहुत दिन हो गए हैं इसने मेरे पैसे नहीं दिए और यार मेरे साथ साथ ये बहुत सारे लोगों के पैसे खा के बैठा है और उनके पैसे नहीं देता है टाइम पे। चल यार सिंचन फाइनली हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। अरे फिंगिन भैया ये लिटिल सिंगम और डोरेमोन कहाँ चले गए यार? अबे लगता है वो कहीं चले गए होंगे, छोड़ उनको हम लोग सारे मंकीज को यहाँ से लेके चलते हैं। अरे हाँ जल्दी से आप गाड़ी उनकी साइड लगाओ, वो सारे के सारे फ्रूट देख के हमारे पीछे आएंगे यार। अरे फिंगिन भैया देखो एक मंकी आ रहा है यार। हाँ सिंचन उसे आने दे, अब वो सारे फ्रूट देख के सभी हमारे पीछे आएंगे। अबे सिंचन देख यार सारे मंकी हमारे पीछे पड़ गए। अरे हाँ फिंगिन भैया जल्दी चलो अब इस गाड़ी को लेके यार। हाँ सिंचन तो गाइस यार अब जल्दी से हम लोग इस गाड़ी को लेके जाएंगे लेस्टर की दुकान पे और वहाँ पर जाके इन सारे मंकीज को छोड़ देंगे। देख रहे हो सभी के सभी कैसे हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे हाँ इन लोगों को फ्रूट्स खाना है ना यार, इसीलिए ये दौड़ रहे हैं। वैसे मुझे भी फ्रूट्स खाना था, एक दो मैं भी खा लूं क्या? अबे नहीं सिंचन तू उतरेगा ना तो यहीं पे ये गाड़ी रोक देंगे और आगे भी नहीं बढ़ाने देंगे हम लोगों को। हाँ भाई साहब कल वह तू सही कह रहा है, यह सिंचन तो पागल है यार, इसमें जरा सा भी दिमाग नहीं है। ले यार सिंचन हम लोग पहुंच गए लेस्टर की दुकान पे। गाइस मुझे तो कहीं लेस्टर दिखाई नहीं दे रहा है। चलो अच्छा है हम लोग यहाँ पे ये सारे के सारे फ्रूट्स रख देते हैं और अब अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकलते हैं। अरे फिंगिन भैया देखो सारे के सारे मंकी लेस्टर भैया की दुकान में घुस गए यार। हाँ सिंचन चल अच्छा हुआ, अब हम लोग अपनी गाड़ी लेके अपने घर चलते हैं, ये हमारे पीछे अब नहीं आएंगे। अरे हाँ चले चले जल्दी चलो यार, लेकिन मुझे लेस्टर भैया के लिए बुरा लग रहा है यार। अरे ये क्या, अरे भागो सीसी, अरे इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए मेरी दुकान पे, वो फ्रैंकलिन और सिंचन कहाँ गए? चल यार सिंचन अच्छा हुआ हम लोगों ने उन सारे बंदरों को अपने घर से भगा दिया, नहीं तो वो हमारे घर को पूरा खराब कर देते। अरे हाँ फिंगिन भैया चलो हम घर भी पहुँच गए, उतरो यार। अबे सिंचन ये क्या चीज है भाई साहब, इतना बड़ा ये क्या है? अरे फिंगिन भैया यहाँ एक और मंकी है यार। अबे ये कैसा बंदर है? गाइस यार अभी तो ये बंदर नहीं था और ये तो कुछ अलग ही टाइप का लग रहा है मुझे, बाकी सारे बंदर काले थे लेकिन ये तो गोरा गोरा है। अबे भाई साहब इसके साथ में इतनी बड़ी ये क्या चीज है यार? अबे सिंचन इसकी शक्ल तो तेरे जैसी दिखाई दे रही है यार पूरी की पूरी देख। अरे हाँ फिंगिन भैया लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आखिर क्या चीज है यार। अबे चल हम लोग छत पे चढ़ के देखते हैं। अरे हाँ चले चले जल्दी चलो। अबे भाई साहब लगता है कोई मॉन्स्टर आ गया हमारे घर के ऊपर। फ्रैंकलिन मेरी मदद करो, फ्रैंकलिन मेरी मदद करो, मैं आसमान में रहता हूँ, वहाँ पर मेरा घर है, मैं वहाँ से गिर गया हूँ और ये मेरा मंकी है। अबे सिंचन क्या बोल रहा है भाई तूने सुना? अरे हाँ फिंगिन भैया मैंने सुना, ये तो हम लोगों से यार मदद मांग रहे है। अरे यार लेकिन इसे मेरा नाम कैसे पता है? अरे हाँ फिंगिन भैया यार इसे कैसे पता? फ्रैंकलिन मुझे सब कुछ पता है, तुम प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से ले जा करके मेरे घर में छोड़ दो, मेरा घर आसमान में है। अबे यार सिंचन मुझे इसके ऊपर दया आ रही है, हम लोगों को इसकी मदद कर देनी चाहिए। अरे हाँ फिंगिन भैया आप सही कह रहे हो लेकिन हम इसे कैसे ले जाएंगे यार? अबे सिंचन मेरे पास एक और आइडिया है। अरे भाई साहब कल तेरे पास कितने आइडिया होते हैं। अबे चोपर सिंचन बातें बंद करो और जल्दी से गाड़ी में बैठो। अरे लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं यार फिंगिन भैया? अबे सिंचन हम लोग शहर के बीच में जा रहे हैं। अरे लेकिन हम लोग वहाँ क्या करेंगे? अबे चल तो सही यार मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। गाइस यार आप लोग जब तक इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस यार आप लोग भी उस बड़े सिंचन की मदद करना चाहते हो तो सभी के सभी यार कमेंट में यस लिख दो। अरे हाँ गाइस यार जरूर से बताना आप लोग इसकी मदद करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अरे फिंगिन भैया हम लोग ये कहाँ गए यार? अबे सिंचन यार सवाल करना बंद कर, अब जल्दी से तू मेरे साथ चल। अबे भाई साहब कल वे बता भी दे यार हम लोग ये कहाँ चल रहे हैं। अबे सिंचन और चोप हम लोग यहाँ पे एक चोरी करने आए हैं।
अरे लेकिन चोरी करना तो बहुत ही गलत है ना यार। अबे तुम लोग मेरे पीछे आओ, तुमको सब कुछ बता दूंगा मैं। तो यार हम लोगों को अगर उस सिंचेन को आसमान में छोड़ना है तो हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए। हेलीकॉप्टर हमें चुराना होगा, वैसे भी हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे गाइस बहुत सारे गार्ड्स है। अरे हाँ ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है मुझे यार। अबे सिंचेन तू चिंता क्यों करता है, मैं इन सबको ठिकाने लगा दूंगा। तुम लोग जल्दी से बस मेरे पीछे आ जाओ। ये ले तेरी तो। अरे भाई बहुत जोर से लग गई। अरे पकड़ो पकड़ो उसे। अरे ये कहाँ से घुस गया, जल्दी पकड़ो इसे। अरे ये बच्चा कौन है। ये ले तेरी तो। अरे अरे बचाओ मुझे। अरे भाई मार डाला मुझे। अरे मेरी टांग तोड़ दी। अरे पकड़ो उसे जल्दी पकड़ो। अरे हाँ बस पकड़ते हैं, अभी पकड़ते हैं। अबे तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। अरे विंगिन भैया आप तो इनके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही हुई यार। अबे सिंचेन के बच्चे मैं पकड़म पकड़ाई नहीं खेल रहा हूँ, इन सबको ठिकाने लगा रहा हूँ। चलो गाइस फाइनली मैं इन लोगों को ठिकाने लगा देता हूँ। ये ले तेरी तो। अरे बचाओ बचाओ। लो गाइस मैंने सबको ठिकाने लगा दिया। सिंचेन और चोप जल्दी से चलो हम लोग यहाँ से जल्दी से इस हेलीकॉप्टर को लेके निकलते हैं। अबे चोप जल्दी बैठना। अरे भाई साहब बैठ गया मैं भी। तो गाइस यार फाइनली हम लोगों ने वहां से हेलीकॉप्टर तो चुरा लिया है, अब जल्दी से हम लोग घर चलते हैं। अरे हाँ चले चले फ्रैंकलिन भैया, अब हम उस बड़े सिंचेन की मदद कर देंगे यार। लेकिन वो आसमान में कैसे रहता होगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे सिंचेन उससे पूछना पड़ेगा वो सब। चलो हम लोग घर पहुंच गए। अरे बड़े सिंचेन तुम एक काम करो, जल्दी से हमारे इस हेलीकॉप्टर को पकड़ लो और इसके साथ में हमारे साथ उड़ जाओ। अरे हाँ मैंने पकड़ लिया है, आसमान में चलो, मेरा घर उधर आसमान में ही है फ्रैंकलिन। अरे हाँ मैं चल रहा हूँ। गाइस हम इसे जल्दी से अब इसके घर में ले जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हाँ फ्रैंकलिन वो ऐसे दिखाई नहीं देगा, अभी थोड़ा आगे चलो तब तुम्हें दिखाई देगा। अरे हाँ चले चले फ्रैंकलिन भैया, अबे सिंचेन मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ तो है यार। अरे यहाँ तो और भी बड़े बड़े सिंचेन है, ये कौन है। अरे हाँ ये मेरे भाई है, तुम मुझे बस इसमें छोड़ दो, मैं यहाँ से नीचे चला जाऊंगा। ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ देता हूँ। एक एरिया फिंगिन भैया ये तो उसमें चला गया यार। फ्रैंकलिन और सिंचेन और चोप तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें एक सुपर पावर दूंगा, तुम जब भी अपने मन में जो सोचोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अबे सिंचेन ये क्या हो रहा है यार, अबे हम लोग तो घर पहुंच गए। अबे यार सिंचेन हम लोग अचानक से घर कैसे आ गए। अरे फिंगिन भैया लगता है उसने कोई मैजिक किया है यार हमारे ऊपर। हाँ सिंचेन उसने बोला था मैं मन में कुछ भी सोचूंगा वो हमें मिल जाएगा। चल मैं सोचता हूँ हम लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ जाए और एक लैम्बोर्गिनी आ जाए। अरे हाँ सोचो सोचो। अबे सिंचेन ये क्या हुआ, गाइस यहाँ तो सच में बहुत सारे पैसे आ गए यार, और ये लैम्बोर्गिनी भी आ गई। लगता है मेरे अंदर सच में सुपर पावर आ गई है। अरे अब तो हम अमीर बन जाएंगे, आपका सपना सच हो गया यार। हाँ सिंचेन अब तू जितनी चाहे उतनी कॉम्प्लेन पी सकता है। अरे हाँ यार ही। अब गाइस आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो का अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। हाँ भाई साहब सभी के सभी लिख देना।